गुड मॉर्निंग क्लास वन प्यारे बच्चों, आप लोग सकुशल होंगे। आज मैं आप सबों को नवीन पाला बुक में एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है झूठी दावत। प्यारे बच्चों, यह कहानी एक बिल्ली के स्वप्न पर आधारित है। स्वप्न और वास्तविकता में कितना अंतर है प्यारे बच्चों, आओ हम पढ़कर जानें। आप लोग नवीन पाला बुक लेंगे और खोलेंगे पेज नंबर 69, पार्ट 16, झूठी दावत कहानी। मुक्की बिल्ली आज बहुत खुश है। उसके हाथ इतना मोटा चूहा जो लगा है। टीटू चूहे को पकड़ते ही वह खुशी से उछल पड़ी। उसकी दावत का इंतजाम हो चुका था। उसने सोचा इस स्वादिष्ट भोजन से पहले थोड़ी मस्ती कर ली जाए। वह टीटू चूहे को सताने लगी। पहले उससे अपने पंजे से आज़ाद कर देती और जैसे ही वह भागने लगता झपट कर उससे पकड़ लेती। चूहा तो बेचारा बीसियों बार डर डर कर ही मानो मर चुका था, लेकिन मुक्की बिल्ली थी कि उसकी ठिठोली बंद ही नहीं हो रही थी। जब मुक्की बिल्ली काफ़ी मस्ती कर चुकी तो उसने सोचा अब बहुत हो गया इंतजार, अब तो टीटू चूहे को अपना निवाला बना ही लिया जाए। उसने तेज झपटा मारा और चूहे को अपने पंजों में दबा लिया। जैसे ही चूहे को मुंह में लगाया यह क्या, अरे इसमें तो स्वाद ही नहीं है, ऐसा क्यों? आश्चर्य और बड़बड़ाहट में मुक्की बिल्ली ने जैसे ही आंखें खोली तो उसके हाथ में ऊन का गोला था। ओह, तो क्या यह एक सपना था? मुक्की उदास होकर फिर से लेट गई ताकि उसी मीठे सपने को याद करती रहे। डॉक्टर श्रीमती हिमांशु पांडे, जीवन मूल्य, हमें सपने में नहीं वरन वास्तविकता में जीना चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी मैं कठिन शब्दों का उच्चारण कराने जा रही हूँ, आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। सब कोई बोलिए इंतजाम, इंतजाम। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। सताने, सताने। आज़ाद, आज़ाद। ठिठोली, ठिठोली। इंतजार, इंतजार। निवाला, निवाला। अभी मैं इन्हीं कठिन शब्दों का अर्थ बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। इंतजाम का अर्थ है व्यवस्था। स्वादिष्ट का अर्थ है जो खाने में अच्छा लगे। सताने का अर्थ है कष्ट देना। आज़ाद का अर्थ है स्वतंत्र। ठिठोली का अर्थ है मजाक। इंतजार का अर्थ है प्रतीक्षा। निवाला का अर्थ है कौर। प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं आप सबों को इतना ही पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।